थैंक यू एवरीवन. मैं आज ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ, मेरे लिए बड़ा टफ है क्योंकि अभी तक मैं अंधेरे में रह के बात करती थी, आज मुझे उजाले में रख के अंधेरे से बात करने का मौका मिला है. थैंक यू सो मच. जैसा कि आप जानते हैं, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर. सेक्स वर्क जिसका नाम हम लेना और बोलना पसंद नहीं करते और सुनना तो कतई नहीं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे ही एक रूपरेखा बना है जिसमें हम सब हैं. मैं उस दायरे के अंदर हूँ. दिस इज़ रेड कारपेट, रेड लाइट एरिया. आप इस दायरे से बाहर हैं. लेकिन बहुत अहम सवाल है मेरे लाइफ का कि ये क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि जिसके लिए लोग सुनना पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते और उस पर किसी के साथ देना वो तो बहुत दूर की बात है. उस बात पे मैं बात कर रही हूँ. मैं शुरुआत करती हूँ उस जगह से जहाँ मेरा जन्म हुआ. मुजफ्फरपुर बिहार का एक प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया है क्योंकि वहाँ पे भगवान विष्णु का जन्म हुआ था. चतुर्भुज स्थान, चतुर्भुज स्थान मतलब चार भुजाओं के भगवान हैं. प्राचीन काल की मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे हमारा वो इलाका है जिसको रेड लाइट एरिया बोलते हैं. रेड लाइट एरिया अलग अलग डिफरेंट वे में वहाँ पे स्थापित है. कुछ कलाकार बोलते हैं, कुछ अपने आप को साजिंदे बोलते हैं, कुछ एक पार्ट है जो ओपन रेड लाइट एरिया बोलते हैं जहाँ मेरा जन्म हुआ. आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और जिसकी वजह से खड़ी हूँ वो मेरी दादी है, और जिसका आप फोटो देख रहे हैं. उन्होंने बहुत फाइट किया अपने आप से भी और समाज से भी, क्योंकि वो एक सेक्स वर्कर है. और उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया लेकिन मेरी परवरिश बाखूबी की है. सब कुछ सामने रखते हुए, सब कुछ देखते हुए, सारे दर्द सहते हुए उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और ये ऑनेस्टली बात कर रही हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर. दादी के उस डर ने मुझे डर से लड़ना सिखा दिया. मेरी दादी का वो डर कि पुलिस की गाड़ी आते ही वो छुप जाती है टॉयलेट में जाके, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि वो क्यों छुपती है उस टॉयलेट में जाके. और दादी के उस ना कहने का, मतलब चुप रहने का, छुप जाने का, कि नहीं बोलो कि तुम कौन हो क्योंकि पुलिस वाले तुमको मारेंगे, क्योंकि उस इलाके में पैदा होने वाली बच्चियां या बच्चे नाजायज़ औलाद कहलाते हैं, और उसमें भी कोई आके आपसे बात करे ये अपने आप में एक बहुत चैलेंज की बात है. तो दादी ने कभी ऐसा देखा नहीं था क्योंकि उस मंडी में छुप के जीना ही अधिकार है. जैसे मैंने अभी बोला कि अब तक अंधेरे में खड़ा होकर उजाले से बात कर रही थी, आज उजाले में खड़ा होकर अंधेरे से बात कर रही, तो ये दादी के लिए बड़ा अजूबा वाली बात है. ये चैलेंजेस मैंने उनको बोला कि हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग गाली बकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग डिनाई करेंगे कि नहीं ये नहीं है, ये समाज की कटी हुई वो हिस्सा है जिससे हम बात क्या दोस्ती नहीं करना चाहते. मैंने कभी आज तक अपने दोस्त नहीं बनाए स्कूल में क्योंकि झूठ बोलना पड़ता था, पुलिस रेड करती थी, उसे छुपना पड़ता था, रात को 12 बजे भी उठ के अल्लीबे पढ़ना पड़ता था क्योंकि उनको डिफाइन करना था पुलिस वाले को कि ये सेक्स वर्कर नहीं है. और इसी कड़ी में हमने शुरू किया अपना एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है परचम. और परचम शुरू करने के बाद हम लोगों ने उसको अपनी ही कम्युनिटी की लड़कियों से बहुत सारे सवाल का जवाब देते हुए कि क्यों हम आगे नहीं जाएंगे, क्यों हम समाज से बात नहीं करेंगे, और हम इस पूरे बीच के जो द्वंद्व है इस बीच में हम फंसे पड़े हुए हैं. तो इससे अच्छा है कि या तो इस पार या तो उस पार. मैं प्राउडली बोलूँगी कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर. और इससे जिसको भी तकलीफ होगा या तो वो मेरे साथ आएगा और या मुझे साथ नहीं देगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये जो स्थिति है पूरा ये बहुत चैलेंजिंग थी परचम के लिए. और परचम ने फिर तय किया कि हम सब मिल के समाज में बात करेंगे और इस पर बहस करेंगे. इसके बाद रोकने की बहुत सारी कोशिश की गई, और वो रोकने की कोशिश में हमारे ऑफिस पे अटैक किया गया क्योंकि उनको लड़कियां चाहिए थी. ऊपर हमारा ऑफिस है, नीचे वो प्रोफेशन चलता है,
तो दो एक सीन है, एक बोर्ड लगा है एक नर्तकी का और एक बोर्ड लगा है परचम का। परचम जो नुमाइश का काम नहीं करते हैं, समाज को सत्य बताने का काम करती है कि आप क्यों अंधेरे में और मैं क्यों उजाले में हूँ, या आप उजाले में क्यों हैं और मैं अंधेरे में क्यों हूँ। इसी को करते हुए जब अटैक किया गया तो पुलिस, पब्लिक, नेता, मीडिया, हमारे लिए सब ऐसे थे कि उनके लिए जब कोई लड़की आके बोले कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर या मैं रेड लाइट एरिया से आई हूँ, तो उनका एक ही विज़न है कि ये धंधे वाली है। आपके दिमाग में भी ऐसे ही चलता होगा, जब आप सेक्स वर्क नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में वो छवि आती होगी कि एक महिला है जो देह व्यापार करती होगी और इसके सिवा उसको कुछ नहीं आता। नहीं, ये सच नहीं है। सवाल ये है कि वो महिला है कौन, आती कहाँ से है और किसके लिए है वो। इस दौरान ये घटना के बाद जब हमने पुलिस से बात किया और पुलिस को हमने बताया, बड़ी चालाकी से उनको कॉल किया और उनको डिनाई किया कि हमने कॉल नहीं किया, क्योंकि हमें उस समय अपने ऑफिस को सेव करना था क्योंकि वो हम पे अटैक कर रहे थे। अगर उस समय वो दरवाज़ा खोल के हमें निकाल लेते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते और हमारे वो साथी नहीं होती। वो प्रोटेक्शन के बाद जब हम लोगों ने समाज को ये बताया कि हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, यहाँ रह के भी सेव कर सकते हैं और परचम को ले के भी जा सकते हैं, तो दूसरे इलाके से फ़ोन आता है कि वहाँ पर पूरी बस्ती जला दी गई। वो इलाका कोई मुझसे अलग नहीं था, मेरा ननिहाल था। पूरी बस्ती को जला दी गई, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो सीता जी का जन्मभूमि है और वो इलाका एक घिनौना अपराध है, ये कह के पूरी बस्ती जला दी जाती है। और जब हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करने जाते हैं, हमने जब बिहार में नीतीश कुमार जी से बात करने की कोशिश की और उनसे बात किया और उनको प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसे ऐसे आगजनी हुई और लोगों ने उनको जलाया है, तो वो बोल, उन्होंने पहला रिएक्शन यही किया जो शायद आप भी करेंगे, क्योंकि थॉट वही है ना कि सेक्स वर्कर बोला तो जो बात कर रही है लड़की वो भी सेक्स वर्कर ही होगी और ये लोग यही काम करते हैं इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। उन्होंने तुरंत बोला कि ये व्यवहार अच्छा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि ये व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो क्या आप जिंदा जला दीजिएगा किसी को भी? अगर आपसे किसी का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आप क्या जिंदा जला दोगे? नहीं ना। तो फिर रेड लाइट एरिया के लोगों को जिंदा जलाने का अधिकार लोगों को किसने दिया? फिर उनको गलत कहने का अधिकार आपको किसने दिया? आप राइट हैं और वो रॉन्ग है, ये डिफाइन करने वाले आप होते कौन हैं? क्या आपने उसके घर के चूल्हे जलाए? क्या आपने उसके बच्चे के परवरिश किए? नहीं, आपको टाइम नहीं है। तो उनको क्यों टाइम रहेगा आपकी बात सुनने के लिए? तो बहुत दूरी है। जब ये बस्ती जलाई गई, जब मैंने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि जिंदा जला दिया जाएगा तो आप मुझे दिखाओ, हम भारत में रहते हैं, ये संविधान में दिया हुआ हर एक नागरिक का अधिकार है, तो ये हमारे लोगों का भी अधिकार है। अगर आप जिंदा जला सकते हैं तो अभी हम आपके ऑफिस के बाहर हैं, यहीं पे वो मोहल्ला बसाएंगे और आपको जलाना है जला दो। ये बहुत ही टफ चैलेंज था हमारे लिए और बहुत ही, क्या बोलूँ, कि उस समय एक वैसे कम्युनिटी से निकल के नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होना, पैर हिल रहा था हम लोगों का, हाथ हिल रहे थे और जुबान गुस्से में था। हम नहीं समझ रहे थे कि उनको रिस्पेक्ट करें या उन पर अटैक करें, और उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो हमें क्या दे सकते हैं, वो क्या चाहिए आपको, वे क्या चाहिए, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप सब कुछ दो दे वो। तो सवाल ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा चैलेंजेस है। उसी के सफ़र में हमने जुगनू को स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात स्वतः लोगों तक पहुँचाएं, जो हाथ से लिखी हुई किताब है, और बहुत ही चैलेंजेस जॉब है हमारे लिए वो, क्योंकि हम सब मिल के उसको करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम किसी पर आश्रित ना हो अपनी बात कहने के लिए। बहुत एक लाचारी है, मतलब रेड लाइट एरिया में जन्म होने का मतलब बहुत एक लाचारी लोग महसूस करते हैं। अब मैं ज़्यादा बोल्ड दिखती हूँ, बहुत अच्छे से बात करती हूँ, बेखौफ होकर बोलती हूँ आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, तो किसी को मेरे पर दया नहीं है, तो कोई मेरे से इंटरेस्ट नहीं लेगा। लोगों को दयाहीन भावना से बहुत लगाव है, मतलब दयाहीन, मतलब बेटियां, मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला बेटियां बोलने लगी, मतलब मैं नहीं बोलती तो ज़्यादा अच्छा रहता,
मैंने बोला इसलिए मैं बहुत ये हो गई हूँ। तो आज जुगनू को लेकर मैं आगे का सफ़र तय करने जा रही हूँ परचम के साथ, अपने साथियों के साथ। और जुगनू अब नए रूप में भारत में हम उसको लॉन्च करेंगे, जिसमें इस अलग अलग स्टेट के बच्चे जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं एज ए जुगनू रिपोर्टर वो आगे मूव करेंगे। और आज की इस आयोजन के लिए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं पहली बार रोशनी से में खड़ा होकर अंधेरे से बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरे बात से वाकिफ होंगे, लेकिन एक छवि जरूर छोड़ के जा रही हूँ कि कभी भी भविष्य में आप जब भी रेड लाइट एरिया या सेक्स वर्कर सब जुबान पे लाना, तो एक बार ज़रूर सोचना कि वो भी एक इंसान है और वो कोई भारत की स्पेशल मिट्टी पे पैदा नहीं हुई है। वो हमारे आपके घर से निकली हुई माँ बहनें हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के राजनीति का शिकार है या आर्थिक कारण से है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन कोई भी औरत ये नहीं सुनना चाहेगी कि आप उनको धिक्कार नज़र से देखो, कोई भी औरत नहीं। तो जिस तरह से आप सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को देते हो, तो थोड़ा रिस्पेक्ट आप इस कम्युनिटी के लोगों के लिए भी दो, ये मेरा आपसे निवेदन है। और इसी निवेदन के साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करती हूँ कि कभी भी भविष्य में आपको लगता है कि इस पर डिबेट हुआ तो ज़रूर बोलिए, बेखौफ होके बोलिए। क्योंकि तो मैंने डर को हटा दिया तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, नहीं तो पता नहीं कितनी नसीमाएँ होंगी जिसकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचे। वो डर आपके भीतर भी मैं महसूस करती हूँ अब, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है वो डर अब मेरे अंदर नहीं है, सामने वाले के अंदर है। तो मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि ये डर जो है ना आपके मन में कि सेक्स वर्कर से कैसे बात करें, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, तो शायद ये जो बीच का मिडिल मैन है डर जैसा शख्स, वो गायब हो जाएगा। तो शायद हमारा भारत में महिलाओं को जो कह रहे हैं कि बराबरी और सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं, वो हम कर पाएंगे। तो आज के इस आयोजन के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।